हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हमारा लेक्चर चल रहा है अध्याय 11 के लगभग, ये मान के चलिए एक या दो वीडियोस और रह गए हैं जो कि हमें फिनिश करने हैं जल्द से जल्द। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं आज, हाइड्रोजन परमाणु का अवशोषण स्पेक्ट्रम। चैप्टर है परमाणु की संरचना और स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम पढ़ने वाले हैं, वो भी अवशोषण स्पेक्ट्रम। जबकि हमने पिछले एक या दो लेक्चर में हमने क्या पढ़ाया आपको, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पढ़ाया है। और उसमें हमने क्या देखा वहाँ पर, हमने देखा वहाँ पर विभिन्न प्रकार की श्रेणियाँ हाइड्रोजन के जो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में बनती हैं। किस में बनती हैं, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में 4-5 तरह की विभिन्न श्रेणियाँ हमने आपको बताई। तो वो कौन कौन सी बताई, उसमें हमने आपको लाइमन बताई, लाइमन श्रेणी बनती है। दूसरी बामन बताई, तीसरी हमने बताई आपको पाश्चन श्रेणी, चौथी हमने बताई आपको ब्रैकेट श्रेणी और पांचवी हमने बताई आपको फुंड श्रेणी। तो इस प्रकार से 4-5 तरह की वहाँ पर श्रेणियाँ बनती हैं जिसमें हमें स्पेक्ट्रमी रेखाएँ दिखाई देती हैं। इनमें से केवल एक ही श्रेणी थी जो कि थी बामर की श्रेणी, जो कि दृश्य प्रकाश में दिखाई देती है। बामर की श्रेणी की रेखाएं किसमें दिखाई देती हैं, दृश्य प्रकाश में दिखाई देती हैं, यानी कि दृश्य क्षेत्र में दिखाई देती हैं। तो दृश्य क्षेत्र में दिखाई देने वाली कौन सी होगी, बामर की जो है श्रेणी हो गई। दूसरी जो आपकी आपकी लाइमन श्रेणी थी वो हमें पराबैंगनी क्षेत्र में दिखाई देती हैं, जबकि हमें पाश्चन फुंड और ब्रैकेट जो श्रेणियाँ हैं वो हमें कहाँ दिखाई देती हैं, अवरक्त क्षेत्र में दिखाई देती हैं। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब हमने आपको बताया था वहाँ पर कि इनका मतलब इनकी तरंग धैर्य से है, यानी कि पराबैंगनी क्षेत्र में दिखाई देने का मतलब है कि उनकी उस तरह की तरंग धैर्य है जो कि पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इसी प्रकार बामर की श्रेणी यदि हम कह रहे हैं कि दृश्य क्षेत्र में मिलती हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दृश्य क्षेत्र की जो तरंग धैर्य का परास है वो उन श्रेणी की रेखाओं का परास है, उन श्रेणी की रेखाओं की तरंग धैर्य है। तो इसी प्रकार से हैं पाश्चन, ब्रैकेट और जो फुंड श्रेणियां हैं वो अवरक्त क्षेत्र में हमने आपको बताई। तो अवरक्त क्षेत्र में क्यों है वहां पर, क्योंकि अवरक्त क्षेत्र का जो तरंग धैर्य का परास होता है वही उन तीन प्रकार की श्रेणियों की तरंग धैर्य का परास भी होता है, तो वो इस वजह से अवरक्त क्षेत्र में मिलती है। तो वहाँ पर हमने उत्सर्जन को आपको बहुत अच्छी तरह समझाया, हमने आपके लिए दो तरह के डायग्राम बनाए थे, एक हमने एक जो है आपको ऊर्ध्वाधर डायग्राम बनाया था और एक दूसरा हमने आपको एक गोलाकार रूप में सर्कुलर रूप में एक डायग्राम बनाया था जिसमें हमने आपको सारी श्रेणियाँ बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया। तो वो आपको वीडियोज़ जो है यदि आपने नहीं देखी हैं अभी तक तो कहाँ देखने को मिलेंगी, आपको देखने को मिलेंगी हमारे ब्लूप्रिंट डिजिटल की प्लेलिस्ट में। तो आप जरूर वहां जाकर उन वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अवशोषण। तो यदि आपने उत्सर्जन पढ़ लिया तो अवशोषण आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि वहां पर जो हम यहाँ क्या बात करते हैं, n=1, n=2, n=3, n=4 से n=अनंत। तो जब हम यहाँ बात करते हैं तो वो बात हमने वहां पर की है, तो वहां पर हमने इस वहां बात करके हम इन चीजों को समझा चुके हैं कि लाइमन श्रेणी क्यों बनती है, बामर श्रेणी क्यों बनती है, तो उनका नाम बामर क्यों कहलाता है, उन श्रेणियों का लाइमन क्यों नहीं कहलाता। तो वो उसका मतलब है कुछ कि किस वजह से, कि वो किस स्तर से किस स्तर में जा रही हैं, तो वो उससे बस उसका संबंध निकलता है और उनके उसी प्रकार से नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हाइड्रोजन परमाणु का अवशोषण स्पेक्ट्रम। हालांकि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अवशोषण भी कहीं पूछ सकते हैं कहीं नहीं पूछ सकते। ठीक है, और हो सकता है उत्सर्जन के साथ में वे अवशोषण भी पूछ लें एग्जाम में आपसे, आपसे कहें कि हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम की व्याख्या कीजिए, उसके बारे में समझाइए, तो हो सकता है कि आपको ये जो है देना पड़ जाए, आपको जो एग्ज़ाम में उत्सर्जन के साथ में समझाना पड़ जाए। तो इसको इसलिए समझ लो, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है और इसमें श्रेणी भी जो है वो लगभग एक ही प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है जो कि लाइमन होती है। क्या होती है, लाइमन श्रेणी यहाँ पर प्राप्त होगी, यहाँ पर ना बामर प्राप्त होती, ना यहाँ पर जो है पाश्चन प्राप्त होती, ना यहाँ पर फुंड प्राप्त होती, ना यहाँ पर ब्रैकेट श्रेणी प्राप्त होती, कोई अन्य श्रेणी प्राप्त नहीं होती। यद्यपि सूर्य के प्रकाश में एक एक्स्ट्रा श्रेणी भी हमें मिल जाती है, सूर्य के प्रकाश में अलग से स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिल जाती है जो कि दूसरी श्रेणी की भी हो जाती है, तो वो अभी हम समझेंगे इस पूरे लेक्चर में।
तो चलिए समझते हैं चित्र के माध्यम से, जो चित्र आपके सामने दिया हुआ है हमने, तो चित्र में क्या दिया हुआ है वो थोड़ा सा देखो आप। तो चित्र में, चित्र इसी तरह का बनता है, चाहे वो उत्सर्जन का बने, चाहे वो अवशोषण स्पेक्ट्रम का बने, तो चाहे जिसका भी बने चित्र लगभग ऐसा ही बनता है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो ये नीचे का स्तर आपका एन बराबर वन, यानी कि निम्नतम स्तर है ये। क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर कह दो, निम्न स्तर कह दो, ग्राउंड स्टेट कह दो इसे, या मूल अवस्था कह दो परमाणु की। क्या कह दो? मूल अवस्था। तो ये n बराबर 1 को इतने नामों से संबोधित किया जाता है। n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 से लेकर जो ऊपर की जो हैं आपके स्तर हैं, ये कक्षाएं हैं, ये कक्षाएं भी बोलते हैं इनको हम। तो कक्षाएं जो हैं ये सारी उच्च ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उच्च ऊर्जा स्तर कहलाते हैं। तो ये हमने उत्सर्जन वाले चैप्टर में बता दिया आपको। तो इसमें क्या होता है कि अवशोषण करता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम है ये। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अवशोषण करेगा। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन अवशोषण करता है। किसका अवशोषण करेगा? ऊर्जा का, प्रकाश का, प्रकाश फोटोन का वो अवशोषण करेगा। तो कैसे करता है उसकी हम लाइन को पढ़ते हैं, पहली वाली को, जिसमें कहा हुआ है जब श्वेत प्रकाश को, ये जब श्वेत प्रकाश को हाइड्रोजन से भरी एक नलिका, हाइड्रोजन से भरी एक ट्यूब में से गुजारते हैं। हाइड्रोजन से भरी हुई ट्यूब है, हाइड्रोजन गैस से भरी हुई ट्यूब है। तो उस गैस की ट्यूब में हम क्या गुजारते हैं? श्वेत प्रकाश गुजारते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, श्वेत प्रकाश उसमें गुजारा जाता है। तो जब श्वेत प्रकाश उसमें जाएगा तो हाइड्रोजन के परमाणु इस प्रकाश में से उपयुक्त ऊर्जा के प्रकाश फोटोनों को अवशोषित कर लेते हैं। तो प्रकाश में क्या होते हैं? मैक्स प्लैंक के अनुसार फोटोन होते हैं। तो फोटोन वाला जो प्रकाश है जो कि हाइड्रोजन परमाणु को उत्तेजित कर सकता है, उतनी ऊर्जा के प्रकाश फोटोनों को परमाणु अवशोषित करने लग जाते हैं। तो परमाणु अवशोषित करेगा तो परमाणु के अंदर अवशोषित कौन करता है? परमाणु के अवशोषित के अंदर अवशोषित इलेक्ट्रॉन करता है प्रकाश को। और इलेक्ट्रॉन जब अवशोषित करता है तो वो नीचे n बराबर 1 से ऊपर जंप करता है, कूदता है। और कूद कर कहाँ पहुँच जाता है? या तो n बराबर 2 में पहुँच जाएगा, या n बराबर 3 में पहुँच जाएगा, या n बराबर 4 में पहुँच जाएगा। और इसी प्रकार से अन्य कक्षाओं में भी वो जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो हाइड्रोजन कहाँ जा रहा है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? हाइड्रोजन परमाणु का, हम एक परमाणु की जनरली बात कर रहे हैं। तो एक परमाणु जिसने ऊर्जा ले ली तो वो ऊर्जा किसको देगा? इलेक्ट्रॉनों को, अपने इलेक्ट्रॉन। उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? वो जंप करके दूसरे कक्षाओं में चले जाएंगे। तो जब वो जंप करके उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि परमाणु उच्च ऊर्जा स्तर में पहुंच गया। यानी कि जंप किसने किया? इलेक्ट्रॉनों ने किया। तो हम परमाणु को बोलते हैं कि परमाणु कहाँ चला गया? उच्च ऊर्जा स्तरों में चला गया। निम्न ऊर्जा स्तर में मूल अवस्था में था और वो कहाँ चला गया? उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। तो ये परमाणु के बारे में फिर बोला जाता है। तो क्या कहा कि हाइड्रोजन के परमाणु इस प्रकाश में से उपयुक्त ऊर्जा के प्रकाश फोटोनों को अवशोषित करके निम्नतम ऊर्जा स्तर से विभिन्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमण दिखाते हैं। यानी कि वे कूद दिखाते हैं, वे कूद कर उनमें पहुँच जाते। तो संक्रमण कहा उसे, क्या कहा? संक्रमण जो है वो दिखाते हैं। अगला बिंदु पढ़ते हैं हम। अगले बिंदु में कहा हुआ है कि सभी अवशोषण संक्रमण n बराबर 1 से ही होते हैं, क्योंकि अवशोषण यदि वो ऊर्जा का कर रहा है परमाणु, या इलेक्ट्रॉन कहिए उसका, तो वो शुरुआत में हमेशा n बराबर 1 में ही कहलाता है। यानी कि वो शुरुआत में कहाँ होता है? वो यहीं होता है, इसी जगह पर होता है। अन्य किसी ऊर्जा स्तर में परमाणु कभी नहीं होता, वो मूल अवस्था में ही होता है। तो उसने ऊर्जा जब अवशोषित करी तो n बराबर 1 से ही वो कूद जो है उसका इलेक्ट्रॉन n बराबर 1 से ही कूदेगा और दूसरे ऊर्जा स्तरों में जाएगा। वो n बराबर 2 से कभी नहीं कूदेगा। वो कहाँ से कूदेगा? n बराबर 1 से ही कूद के दूसरे स्तरों में जाएगा। तो जब n बराबर 1 से ही प्रारंभ होते हैं, क्योंकि सामान्य स्थिति में सभी परमाणु निम्नतम ऊर्जा स्तर में n बराबर 1 में ही होते हैं। तो निम्नतम ऊर्जा स्तर में ही होता है परमाणु, तो वो अवशोषित भी यहीं करेगा और यहीं से जंप लगाएगा ऊपर। तो संक्रमण कहाँ से स्टार्ट होगा? n बराबर 1 से ही स्टार्ट होगा। आई बात समझ में? इसलिए ये सभी लाइमन श्रेणी में संक्रमण कहलाते हैं। हमने आपको जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बताया था उसमें हमने बताया था कि जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्तरों से नीचे कूदता है, यानी कि हमने क्या बताया था कि यदि कोई परमाणु वो ऊपर की स्तर से वो नीचे के स्तरों में कूदता है, यानी कि यहाँ कूदता है, ये n बराबर 1 है मान लो,
तो जब ये कूदेगा तो ये लयमन श्रेणी में कूदता है, लयमन श्रेणी कहलाती है। जब वो कूदने के पश्चात जो तरंग धैर्य उत्सर्जित होती है वो किस में कहलाती है, लयमन श्रेणी में कहलाती है। यदि वो n बराबर 2 में कूदता, किस में कूदता है, n बराबर 2 में, यानी कि यहाँ कूदता तो वो बामण श्रेणी कहलाती। इसी प्रकार से n बराबर 3 में कूदता तो वो पाश्चन श्रेणी कहलाती। n बराबर 4 में कूदता जो है परमाणु या इलेक्ट्रॉन तो वो किस में कहलाती, वो आपकी ब्रैकेट में कहलाती। और n बराबर 5 में यदि कूदता इलेक्ट्रॉन तो परमाणु की जो श्रेणी कहलाती, यानी कि स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं निकलती हैं, तरंग धैर्य जो निकलती है, उनकी जो श्रेणी कहलाती है वो फुंड श्रेणी कहलाती। तो ये आपको मैंने पिछले में भी बताया था। तो इसमें क्या हो गया फिर, इसका मतलब कि यहाँ पर बात किसकी आ गई कि वो n बराबर 1 से जंप करता है। तो जब n बराबर 1 से जंप करेगा तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी, जो हमें तरंग धैर्य प्राप्त होंगी, वो सभी लाइमन श्रेणी में प्राप्त होंगी। किसमें होंगी, यहाँ से लाइमन श्रेणी में यहाँ से तरंग धैर्य प्राप्त होंगी हमारी। तो सारी जितनी भी तरंग धैर्य यहाँ से प्राप्त होंगी वो सारी लाइमन श्रेणी में प्राप्त होंगी, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लाइमन श्रेणी के संक्रमण कहलाते हैं सारे जितने भी सारे जा रहे हैं, एन बराबर 1 से शुरू करके एन बराबर 2 में जा रहे हैं, एन बराबर 3 में जा रहे हैं, एन बराबर 4 में जा रहे हैं, एन बराबर 5, एन बराबर 6, एन बराबर 7 और ऊपर तक जा रहे हैं। तो ये सब किस में कहलाएंगे, लाइमन श्रेणी में कहलाते हैं ये। अच्छा, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इसमें कहा हुआ कि जब अन्य श्रेणियों के संक्रमण तब प्राप्त होंगे जब हाइड्रोजन परमाणु पहले से ही दूसरे में अथवा तीसरे ऊर्जा स्तर में उपस्थित हो। तो यदि हम कहेंगे भाई इसमें बामर क्यों नहीं निकलती, तो बामर तो तब निकलेगी जब n बराबर 2 में परमाणु होगा, यानी कि यहाँ से संक्रमण करें ऊपर जाए, यहाँ से संक्रमण करके यहाँ जाए ऊपर वाले में, तो तब बामर कहलाएगी। परंतु बामर इसलिए नहीं कहला सकती, क्यों नहीं कहला सकती, क्योंकि ये n बराबर 1 से स्टार्ट होगी। तो ऐसा संभव नहीं है, क्या कहा इसने, जो कि संभव नहीं है कि 2 और 3 से स्टार्ट हो, क्योंकि परमाणु शुरुआत में होता ही कहाँ है, वो होता ही n बराबर 1 में है, ठीक है, क्लियर है जी। इसके अगले बिंदु पर बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है जो ये वाला है, तो इसके बाद का जस्ट ये वाला तो आप समझ लो ऐसे ही कि हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी ही प्राप्त होती है। तो एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन में यदि पूछ ले अति लघु उत्तरे में कि हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में कौन सी रेखा प्राप्त होती है, तो आप लाइमन छूटते के साथ ही लिख देना इसमें, लाइमन श्रेणी प्राप्त होती है, ठीक है। तो क्योंकि एक ही श्रेणी प्राप्त होगी जो कि एन बराबर 1 से जाएगी, एन बराबर वन से चालू होगी, तो एक ही श्रेणी यहाँ प्राप्त होगी। इसका अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है ये, क्योंकि यहाँ सूर्य के स्पेक्ट्रम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, सूर्य के स्पेक्ट्रम की। तो सूर्य का जो स्पेक्ट्रम होता है वो भी किस प्रकार से बनता है और क्या है, वो थोड़ा सा इसमें बताया हुआ है। तो क्या बताया हुआ है इसमें, इसमें कहा हुआ है कि सूर्य भी क्या है, हाइड्रोजन से बना हुआ है। आप सबको पता होगा सूर्य किससे बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है। सूर्य के अंदर हाइड्रोजन गैस है बहुत अधिक मात्रा में। तो हाइड्रोजन आपको पता होगा, जब हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिलता है तो क्या बनाता है, हीलियम बनाता है। क्या बनाता है, हीलियम बनाता है। तो जब वो मिलता है आपस में मिलते हैं हाइड्रोजन परमाणु, तो क्या होता है, एक विस्फोट होता है। क्या होता है, विस्फोट होता है। और ये बड़े स्तर पर है वहाँ पर, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत अधिक मात्रा में, बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है सूर्य के पृष्ठ पे। तो वहाँ जब होता है ये, तो उसमें बहुत सारी ऊष्मा निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो वो इस इतनी मात्रा में ऊष्मा निकलती है कि उसमें विस्फोट होता है। तो विस्फोट होता है तो उसमें क्या है, और उसमें विस्फोट ऐसा नहीं कि वो कुछ कुछ समय में हो रहा है, उसमें लगातार विस्फोट हो रहा है, सेकेंड्स के बहुत छोटे छोटे हिस्सों में। यानी कि जैसे हमने कहते हैं कि बहुत छोटे में कि 10^-8 सेकेंड, 10^-10 सेकेंड माइनस के, तो उतने सेकेंड में विस्फोट हो रहे हैं उसके अंदर। तो विस्फोट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है उसमें, उसमें से ऊष्मा निकल रही है, लगातार निकल रही है। तो लगातार ऊष्मा निकलती है और वो बहुत बड़ा है, पृथ्वी के मुकाबले में बहुत कई गुना बड़ा है, ठीक है, कई मतलब बहुत बड़ा है जो है सूर्य पृथ्वी के मुकाबले। तो उसमें से इतनी ऊष्मा निकलती है कि वो उसकी ऊष्मा ही हमें प्रकाश के रूप में मिलती है। किस रूप में मिलती है, उसकी ऊष्मा ही हमें प्रकाश के रूप में मिलती है, जबकि वो कई लाख किलोमीटर वो दूर है हमसे, ठीक है। दूरी भी उसकी कितनी है, बहुत दूर है सूर्य पृथ्वी से, उसके बावजूद मिलते हैं। तो इसमें यही कहा हुआ है कि हाइड्रोजन में सूर्य की उपस्थिति हो, मतलब सूर्य में हाइड्रोजन की उपस्थिति होती है, और सूर्य के अवशोषण स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम श्रेणियां पाई जाती हैं।
तो यहाँ भी हम स्पेक्ट्रम की बात कर रहे थे हाइड्रोजन के। अब हाइड्रोजन तो नेचुरली हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन की, बट वहाँ तो अलग से ही सूर्य में पहले से उपस्थित है, तो एक इसका सीधा सीधा उदाहरण तो सूर्य ही हो गया। ठीक है, तो सूर्य में हाइड्रोजन की उपस्थिति भी है और बहुत अधिक मात्रा में उपस्थिति है। तो जब इतनी उपस्थिति में वहाँ पर और वहाँ पर विस्फोट भी लगातार हो रहा है, यानी ऊष्मा भी बन रही है और प्रकाश तो वो खुद ही निकाल रहा है। ठीक है, प्रकाश तो वहीं से उत्पन्न हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सूर्य के अवशोषण स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम श्रेणियाँ भी जरूर पाई जाती हैं, मतलब जरूर पाई जाएंगी और वो पाई जाती हैं। परंतु उसमें क्या होता है, जबकि केवल लाइमन श्रेणी ही पाई जानी चाहिए थी, जबकि ऐसा नहीं होता, वहां पर लाइमन के साथ साथ बामर श्रेणी भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाइमन श्रेणी के साथ साथ बामर श्रेणी भी पाई जाती है सूर्य के स्पेक्ट्रम में, सूर्य के अवशोषण स्पेक्ट्रम में लाइमन के साथ साथ बामर श्रेणी पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? ऐसा इसलिए होता है कि सूर्य पर ताप जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उसके सरफेस का जो टेम्परेचर है यानी कि सतह का जो ताप है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। तो उस अधिकता के कारण, उस ताप की अधिकता के कारण वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ पर जो परमाणु होते हैं, वो n बराबर 1 में तो होते ही हैं, परंतु ताप की वजह से उसके जो संक्रमण होते हैं वो n बराबर 1 से 2 में चलते रहते हैं। तो किसी भी समय ऐसा होता है कि n बराबर 2 से भी संक्रमण हो जाता है, यानी कि n बराबर 1 से पहुंचे संक्रमण यहाँ पर, यानी कि n बराबर 1 से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचा n बराबर 2 में, यानी कि n बराबर 1 से जब n बराबर 2 में, सूर्य की सतह की बात करूँ मैं केवल, तो सूर्य की सतह पर क्या हुआ कि n बराबर 1 में परमाणु था और क्योंकि ताप ज़्यादा है और प्रकाश भी लगातार उससे निकल रहा है, तो वहाँ पर जो संक्रमण है वो n बराबर 1 से n बराबर 2 में होता रहता है लगातार। तो लगातार जब होता रहता है तो ऐसी स्थिति भी आती है उसमें कि कुछ इलेक्ट्रॉन n बराबर 2 से भी कूद के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि n बराबर 2 में जो इलेक्ट्रॉन आया वो ताप ज़्यादा होने की वजह से n बराबर 2 से भी कूद कर वो n बराबर ऊपर चला जाता है, 4, 5, 6, 7 मतलब उसमें ऊपर चला जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब n बराबर 2 से गया है इलेक्ट्रॉन तो वो बामर श्रेणी में कहलाता है। किसमें कहलाता है? बामर श्रेणी में, क्योंकि जो यहाँ से तरंग धैर्य निकलेगी, यहाँ से जो जब वो इलेक्ट्रॉन जाएगा ऊपर, वो तरंग धैर्य का प्रकाश अवशोषित करेगा तो वो n बराबर 2 वाली कक्षा में करेगा, तो वहाँ पर जो श्रेणी प्राप्त होगी वो हमें बामर श्रेणी प्राप्त होगी। ठीक है, जो मेन कारण है वो यही है। इसका मुख्य कारण यह है कि बहुत उच्च ताप पर हाइड्रोजन के परमाणु n बराबर 2 ऊर्जा स्तरों में लगातार संक्रमण करते रहते हैं, n बराबर 2 में वो लगातार संक्रमण कर रहे हैं, और सूर्य के इस अति तप्त भाग में हाइड्रोजन परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रम n बराबर 2 से प्रारंभ होने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहाँ पर संभावना n बराबर 2 से भी हो जाती है कि वो संक्रमण करके ऊपर चला जाता है इलेक्ट्रॉन या परमाणु कह लीजिए, तो इसलिए यहाँ पर बामर श्रेणी भी पाई जाती है। परंतु सामान्य रूप में, सामान्य अवस्था में यदि हम देखें तो हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी ही पाई जाती है। यदि एग्जाम में यदि पूछेगा तो आपको हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम में केवल लाइमन श्रेणी ही लिख कर आनी है। यदि वो पूछ ले सूर्य के स्पेक्ट्रम में तो आप वहाँ पर लाइमन और बामर दोनों लिख कर आओगे। क्या लिख कर आओगे? लाइमन और बामर दोनों ही आपको लिख कर आनी है यदि सूर्य का केस आ जाए तो। ठीक है, क्लियर है वाला टॉपिक। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि एक्स किरणें क्या होती हैं, और बहुत खास वो टॉपिक रहने वाला है, वो खास लेक्चर होने वाला है, क्योंकि उसमें अभिलाक्षणिक एक्स किरणें भी हमें वहाँ देखने के लिए मिलेंगी और क्या क्या उनके उपयोग होते हैं वो वहाँ देखने के लिए हमें मिलेंगे। तो लेक्चर को बिल्कुल भी मिस ना करें। तो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।